शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जनपद बहराइच पूर्व विधायक दिलीप वर्मा ने तहसीलदार व सीओ से की हाथापाई, गए हैं जेल। उनके समर्थन में आया किसान यूनियन बहराइच। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के पक्ष में किया धरना प्रदर्शन। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के बचाव में उतरे किसान यूनियन के पदाधिकारी। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया पूर्व विधायक दिलीप वर्मा को किसान यूनियन का नेता। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा को बताया बेकसूर, अधिकारी को बताया दोषी। जिलाधिकारी के आश्वासन पर स्थगित हुआ धरना प्रदर्शन। नाम पतिराम चौधरी, भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन बहराइच से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और जो आपने धरना दिया था उस पर आपका क्या निर्णय हुआ? उस पर हम लोगों को जो जानकारी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल 29 को यहाँ पर पधारे थे, तो उनके माध्यम से आश्वासन दिया गया है कि माननीय दिलीप वर्मा जी को न्याय मिलेगा। ये संज्ञान में आते ही हम लोगों ने धरना समाप्त किया है। लेकिन हमारी और तमाम विभिन्न समस्याएं थी जो धरने के साथ चल रहा था, तो हम यहाँ के प्रशासन को एक सप्ताह के लिए मोहलत दे करके अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हमारे लोगों के कार्य पूरे नहीं होते हैं, उनका समाधान नहीं होता है, तो हम दिनांक 8 तारीख से पुनः इस धरने पर उपस्थित हो जाएंगे। तो ये दिलीप वर्मा के लिए धरना था? जी, दिलीप वर्मा एक किसान नेता हैं, अच्छे नेता हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए वो काम करते हैं, उनकी समस्याओं के लिए अधिकारियों से ये संघर्षरत रहते हैं। और उनके साथ जिस तरह से तहसील प्रशासन ने, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे क्षेत्राधिकारी हो, जिसने भी इस तरह से अभद्र व्यवहार किया है उनके साथ, और उनके साथ एक षड्यंत्र के तहत मुकदमा फर्जी दर्ज करके उनको जेल भेजा गया है। हम लोगों ने मांग किया है कि उस मुकदमे को वापस लिया जाए और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए।